हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ सुचिता गढ़ेवाल। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में आप सभी ने मध्य प्रदेश के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर सुना होगा। हो सकता है वो बहुत अच्छा हो या हो सकता है वो बहुत बुरा हो। हो सकता है आपने ये सुना हो कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सारी जनजाति है परंतु संसाधनों की कमी है। एक ऐसा राज्य है जो थोड़ा गरीब है। या हो सकता है आपने ऐसा कुछ सुना हो कि मध्य प्रदेश उतना डेवलप नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। पर वास्तविकता में क्या मध्य प्रदेश वैसा ही है जैसा कि हम उसके बारे में जानते हैं या सोचते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश वास्तव में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि संसाधनों की दृष्टि से परिपूर्ण है। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में जनजातियां बहुत सारी हैं, परंतु इसी कारण से इसे लघु भारत भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की जनजाति विविधता देखने के लिए मिलती है। मध्य प्रदेश के ही प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी, लता मंगेशकर जी, कैलाश सत्यार्थी जी, रजनीश ओशो जी, ऐसे बड़े बड़े नाम हमें सामने देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश ने अपने अंदर से बहुत सारे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है, भीमराव अंबेडकर। वैसे ही हम देखते हैं कि यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में मध्य प्रदेश के 3 स्थानों को शामिल करके रखा हुआ है। पहला स्थान है सांची स्तूप, दूसरा स्थान है भीम बैठका और तीसरा स्थान है खजुराहो। इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया कि मध्य प्रदेश वैसे तो बहुत प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश अपने इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। मानव सभ्यता के सबसे पुराने साक्ष्य मध्य प्रदेश से ही प्राप्त होते हैं, जो है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश बहुत पुराना भी हो गया और समृद्ध भी हो गया। मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक हीरे का उत्पादन होता है, जो कि सबसे बहुमूल्य धातु मानी जाती है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भारत के 80% सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा राज्य हो गया। अब मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन शुरू करते हैं। तो जैसा मध्य प्रदेश राज्य आज हमें दिखाई देता है, क्या मध्य प्रदेश राज्य पहले से वैसा ही रहा था? तो बिल्कुल नहीं, पहले मध्य प्रदेश राज्य ऐसा नहीं था। आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ, तो इसके पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो इसके पहले मध्य प्रदेश या संपूर्ण भारत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में बटा हुआ था। देखिए, ये 4 भाग थे जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, पार्ट ए, बी, सी और पार्ट डी। अब इन 4 भागों में कौन कौन से क्षेत्र रखे गए थे? पार्ट ए में वे क्षेत्र रखे गए थे जो कि ब्रिटिश सत्ता के सीधे नियंत्रण में आते थे, मतलब ऐसी रियासतें जो कि ब्रिटिश सत्ता के सीधे नियंत्रण में थी। पार्ट बी में उन छोटी छोटी रियासतों को रखा गया था जिनका नियंत्रण सीधे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं आता था। पार्ट सी में 61 बड़ी रियासतों को रखा गया था। वहीं पार्ट डी वो क्षेत्र था जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों को रखा गया था। इतनी बात समझ में आई? तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने पार्ट बनाए गए। तो मध्य प्रदेश में 3 पार्ट बनाए गए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए अर्थात सीधा जो इसका संरक्षण है वो ब्रिटिश शासन के अधीन है। पार्ट बी वो जिसमें देसी रियासतें हैं। यहाँ पे कौन सी रियासत थी? आपको पता होगा कि इंदौर वाला जो क्षेत्र है और ग्वालियर वाला क्षेत्र है, इंदौर में होलकर रियासत थी और ग्वालियर में जो थे सिंधियाओं का शासन हुआ करता था। पार्ट सी की बात करते हैं तो पार्ट सी में 61 बड़ी रियासतें थी। तो मध्य प्रदेश की कौन सी रियासत यहाँ पे पड़ती है? तो मध्य प्रदेश की रीवा रियासत यहाँ पे पड़ती थी। अब इस हिसाब से मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। देखिए, पार्ट ए देखने में ही समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा भाग था मध्य प्रदेश का। अब ये मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ से महाराष्ट्र वाला हिस्सा चला जा चुका है। देखिए, यहाँ से महाराष्ट्र वाला हिस्सा चला गया है, यहाँ से छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा चला गया है, यहाँ से कुछ राजस्थान का क्षेत्र चला गया है। तो इस हिसाब से आज का मध्य प्रदेश अलग दिखाई पड़ता है। अब मध्य प्रदेश के पार्ट ए, बी और सी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भोपाल अलग पार्ट था। भोपाल जो है इसे ना पार्ट ए में मिलाया गया, ना बी में मिलाया गया, ना सी में मिलाया गया।
बल्कि इसे बाद में आगे चलकर पार्ट सी में मिलाया गया था। आगे चलकर मतलब बहुत समय बाद। देखिए अब बात करते हैं पार्ट ए की। तो जो पार्ट ए है, इस क्षेत्र को सीपी कहा जाता था। सीपी का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोविंस। जैसे कि हम यूपी सुनते हैं ना, यूनाइटेड प्रोविंस, वैसे ही यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस, सीपी या फिर बरार। तो पार्ट ए को सीपी या फिर बरार कहा जाता था। पार्ट ए के प्रमुख थे पंडित रवि शंकर शुक्ल जी। पंडित रवि शंकर शुक्ल जी। पार्ट ए में कुल 15 रियासतें थी। इसके साथ ही साथ में पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। जब हम पार्ट बी की बात करते हैं, तो पार्ट बी यह क्षेत्र था जिस क्षेत्र में इसकी राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर। अब आप बोलेंगे कि मैम दो राजधानियां कैसे हो गई। देखिए पार्ट बी के जो राजधानी थी इंदौर ग्वालियर थी, लेकिन ये राजधानियां 6-6 माह में ट्रांसफर होती थी, अर्थात 6 महीने इंदौर, 6 महीने ग्वालियर। इस भाग को पार्ट बी को कहा जाता था मध्य प्रांत या फिर मध्य क्षेत्र। पार्ट बी के प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया जी, और बाद में आगे चलकर तखतमल जैन को इसका प्रमुख बनाया गया था। पार्ट सी की बात करें, तो पार्ट सी में सबसे ज्यादा रियासतें थी, और साथ ही साथ में इसे कहा जाता था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश। पार्ट सी के प्रमुख थे अवधेश प्रताप सिंह। पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। चीजें क्लियर हो रही हैं? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, पार्ट बी बीच का क्षेत्र है, पार्ट सी जो है सबसे छोटा क्षेत्र है। वही पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर, पार्ट बी की थी इंदौर और ग्वालियर, और पार्ट सी की थी रीवा। पार्ट ए के प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल, पार्ट बी के थे जीवाजी राव सिंधिया, और बाद में तखतमल जैन को इसका प्रमुख बनाया गया था। पार्ट सी के प्रमुख थे अवधेश प्रताप सिंह। अब जो रविशंकर शुक्ल जी है ना, ये इन्हें ही भारत मध्य प्रदेश का पहला सीएम या फिर मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, परंतु ये अनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे क्योंकि इन्हें मुख्यमंत्री चुना गया था। देखिए पार्ट ए के बारे में यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है। पार्ट ए का अन्य नाम सेंट्रल प्रोविंस या फिर बनार, राजधानी नागपुर, प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल, यह तात्कालिक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग था, रियासतें 15 रियासतें आती थी इसके अंतर्गत। पार्ट बी अन्य नाम मध्य प्रांत या फिर मध्य क्षेत्र, राजधानियां इंदौर ग्वालियर, पहले प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया, बाद में बनाए गए तखतमल जैन और लीलाधर सेठ। रियासतें कितनी थी, 26 रियासतें थी इसके अंतर्गत। अन्य नाम विंध्य क्षेत्र, राजधानी रीवा, प्रमुख अवधेश प्रताप सिंह, रियासतें 38 रियासतें। देखिए अब यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो भोपाल वाला क्षेत्र था ना, इस क्षेत्र को बाद में रीवा में मिलाया गया था। ये ना पार्ट बी में मिला ना पार्ट ए में मिला, बल्कि इसे 1 जून 1949 को रीवा में मिलाया गया था, परंतु भोपाल तब भी जिला नहीं बना था। भोपाल जिला नहीं था, बल्कि भोपाल जो था वो सीहोर राज्य की एक तहसील थी। सीहोर राज्य की एक तहसील थी भोपाल। इसके अलावा भोपाल के पहले प्रमुख हमीदुल्ला साहब जी थे, और बाद में शंकर दयाल शर्मा को भोपाल का प्रमुख बनाया गया था। अब हमने भोपाल को देख लिया कि भोपाल को पार्ट सी के अंतर्गत मिलाया गया। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि हमने देखा था कि मध्य प्रदेश को पार्ट ए, बी और सी में बांटा गया था। अब मध्य प्रदेश के साथ साथ में संपूर्ण भारत में एक मुहिम चल गई, जिस मुहिम के तहत राज्यों के विकास की दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन करना था या राज्यों का गठन करना था। और राज्यों का गठन के लिए भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, अर्थात दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगे। और इन आंदोलनों के चलते हमने देखा कि भारत सरकार को नए राज्यों का निर्माण करना ही पड़ेगा, और इसको देखते हुए
जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी उस समय, तो उस सरकार ने क्या किया, कुछ आयोगों का निर्माण कराया जो आयोग राज्य बनाएंगे। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कह दिया राज्य बनना है और भारत सरकार राज्य बना दे। दूसरी बात कि राज्य बनने की बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, लेकिन अगर हम देखें तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कई जगह गुजराती लोग बोलते, गुजराती भाषा बोलते हैं लोग, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग मराठी बोलते हैं, तो इस हिसाब से हर 10 किलोमीटर में एक नया राज्य हो जाता। तो इस कारण से इस बात को ना मानकर एक आयोग बनाना निर्धारित किया गया। तो पहला जो आयोग बनाया गया उसका नाम था एस के धर समिति या एस के धर आयोग। एस के धर आयोग जो नाम है, एस के धर का मतलब है श्री कृष्ण धर, क्योंकि ये इसके प्रमुख भी थे। तो श्री कृष्ण धर इस आयोग के प्रमुख थे। इस आयोग का निर्माण 1948 में किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी 1948 में दी थी, दिसंबर 1948 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। और जिस रिपोर्ट के अनुसार इस आयोग ने यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना संभव नहीं है, अगर आपको राज्य बनाना है तो आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्य बनाइए। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि एस के धर आयोग की रिपोर्ट को नकार दिया गया, इसे अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि पहले से दक्षिण भारत में राज्यों की मांग उठ रही थी परंतु भाषा के आधार पर। तो इस कारण से भारत सरकार ने इसकी मांगों को या इसकी रिपोर्ट को रद्द कर दिया। इसके बाद अगला आयोग बनाया गया जिसका नाम था JVP कमिटी या JVP में आयोग। JVP, देखिए जे से आएगा जवाहरलाल नेहरू, वी से आएगा वल्लभ भाई पटेल और पी से आएगा पटावी सीतारमैया। इस आयोग का निर्माण जस्ट इसकी रिपोर्ट देने के बाद दिसंबर 1948 में इस आयोग का निर्माण हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी हमें अप्रैल 1949 में। और इसकी रिपोर्ट में भी इसने यही कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर सही नहीं है, अगर आपको राज्यों का गठन करना है तो आप भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों का गठन करें, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर। देखिए जब दो आयोगों की रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इनकी नहीं माने तो इनकी क्यों मानेंगे, ये भी सेम बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से दोनों आयोगों की रिपोर्टों को नकारने के पश्चात दक्षिण भारत में आंदोलन बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गए। वहीं दक्षिण भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि आंध्र प्रदेश में रहा करते थे, तो आंध्र प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम था पोट्टी श्री रमल्लू, पोट्री श्री रमल्लू जी ने दिसंबर 1952 में 56 दिनों तक आमरण अनशन किया और इस 56 दिनों के आमरण अनशन के पश्चात दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई और इसका सीधा कारण था आमरण अनशन। और उन्होंने आमरण अनशन इस कारण से किया था क्योंकि ये चाहते थे कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य का दर्जा दिया जाए, और इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल बढ़ जाता है और इस कंडीशन में भारत सरकार को जल्दबाजी में ये घोषणा करनी पड़ती है कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर नया राज्य बनाया जाएगा। आपके घर में होता है ना, जब आप किसी एक बच्चे को थोड़ी सी छूट दे देते हो तो बाकी बच्चे भी छूट लेने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी को बोला हाँ चॉकलेट खा लो, कुछ नहीं होता, तो बाकी बच्चे भी चॉकलेट खाना शुरू कर देंगे चाहे उनके दांत खराब हो जाए। तो बिल्कुल वही बात हुई, जैसे ही सबको पता चला कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात कह दी जा चुकी है, तो अलग अलग जगह पे और ज़्यादा आंदोलन प्रारंभ हो गए। जिन आंदोलनों को संभालने के लिए, जिस स्थिति को रोकने के लिए सरकार के द्वारा फिर से एक नया आयोग बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग।
आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा हो गई थी नए राज्य बनने की, लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बनके तैयार हुआ, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर बना। इसके बाद 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 3 सदस्य थे, जो थे एक स्वयं फजल अली जो कि इस आयोग के अध्यक्ष थे, इनके साथ थे के एम पड़ीकर और इन्हीं के साथ थे हृदयनाथ कुंजल, ये 3 व्यक्ति। इसके बाद में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जा सकता है, परंतु किसी एक भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया जाए यह संभव नहीं है। तो एक राज्य एक भाषा के मांग को नकार दिया गया, परंतु कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जा सकता है। 2 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो भारत सरकार के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और इन्हीं 14 राज्यों में से जो एक राज्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन हिंदी भाषा के आधार पर हुआ था, जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वापस चलते हैं हमारी स्लाइड पर। देखिए यहां पे लिखा है एसके धर आयोग। एसके धर आयोग के प्रमुख श्री कृष्ण धर थे। इस आयोग को 1998 में बनाया गया था और इस आयोग ने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हो सकता, ये बात हम देख चुके हैं। जेवीपी कमेटी दिसंबर 1948 में बनाई गई थी। 1949 अप्रैल में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे। इन दोनों आयोगों की बात को नकार दिया गया। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, बिल्कुल सही बात है। फजल अली आयोग के बारे में हम देख चुके हैं, इसके 3 सदस्य के एम पड़ीकर, हृदयनाथ कुंजल और फजल अली। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, दिसंबर 1955 में। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। 2 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। ये है मध्य प्रदेश जो उस समय निर्मित हो रहा था। तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग जो कि महाराष्ट्र से लगा हुआ है आज, तो हमारे पास क्या, महाराष्ट्र के 8 जिले थे जो कि मराठी भाषा बोलते थे, क्योंकि महाराष्ट्र का जो गठन है वह मराठी भाषा के आधार पर होना था। इस कारण से मध्य प्रदेश के इन 8 जिलों को महाराष्ट्र को दे दिया गया। ये जिले कौन कौन से थे? बुलढाणा, अकोला, अमरावती, नागपुर, चांदा, वर्धा, भंडारा और यवतमाल। ये 8 जिले हमने महाराष्ट्र को दिए क्योंकि ये मराठी भाषी जिले थे। वहीं हमने मंदसौर का सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया। वहीं हमने राजस्थान से सिरोंज तहसील ले ली जो कि विदिशा के अंतर्गत थी। मतलब लेन देन किया काफ़ी जब हमारा राज्य बन रहा था उस समय में। इसके साथ ही साथ में ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। और बाद में मध्य प्रदेश का दोबारा जब पुनर्विभाजन होता है या पुनर्गठन होता है तो उस समय में ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश से हट जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 जिले हमने महाराष्ट्र को दिए। यहाँ से हमने सुलन टप्पा राजस्थान को दिया और राजस्थान से क्या लिया, तो सिरोंज तहसील राजस्थान से हमने अपने पास रख ली। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश के बारे में पार्ट ए, बी और सी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जो पार्ट ए है, पार्ट ए यहां से कटा हुआ था तो पार्ट ए का क्षेत्र गया बिल्कुल। पार्ट बी का भी सुनेल टप्पा और सिरोंज तहसील में परिवर्तन हुआ तो पार्ट बी गया। तो मतलब एकमात्र वह क्षेत्र जो बिना परिवर्तन के मध्य प्रदेश में मिलाया गया वो था पार्ट सी। अब यहाँ क्या लिखा है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नव निर्मित मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग थे।
पार्ट ए के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का एक क्षेत्र जो कि सुनील टप्पा है उसे राजस्थान को दे दिया गया था। वहीं राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिलाया गया था, ये हमने देख लिया। मध्य प्रदेश का पार्ट बी का नागपुर क्षेत्र महाराष्ट्र को दिया गया था, हमने 8 जिले दिए थे वहां पे। पार्ट सी का पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिलाया गया बिना किसी परिवर्तन को करे। देखिए अब आता है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। हमने पहले ही देखा कि मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर अगले जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनते हैं वो होते हैं भगवत राव मंडलोई जी। और भगवत राव मंडलोई जी के बाद में एक वह मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, साथ ही साथ में पहला मुख्यमंत्री निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो वो रहेंगे फिर कैलाश नाथ काटजू जी। यही डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे लेकिन ये अनिर्वाचित थे। मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री इनकी मृत्यु के पश्चात भगवत राव मंडलोई जी बने और मध्य प्रदेश में प्रथम पूर्णकालिक मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू जी थे। नव निर्मित मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल को बनाया गया था जो कि सीहोर जिले की एकमात्र तहसील थी। भोपाल अभी भी जिला नहीं बना है, भोपाल सिर्फ 1949 में पार्ट सी में शामिल हुआ, फिर वैसे ही क्या वैसा ये मध्य प्रदेश की राजधानी बन गई लेकिन अभी भी ये सीहोर जिले की तहसील ही है। मध्य प्रदेश में जिलों व संभागों का गठन। देखिए मध्य प्रदेश में जिलों और संभागों के जब गठन की बात आती है, अब मध्य प्रदेश में आपको क्या देखना, जिलों और संभागों का गठन। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 के पश्चात की सिचुएशन ये रहती है कि मध्य प्रदेश के पास रहते हैं 43 जिले और 8 संभाग। आगे चलकर 26 जनवरी 1972 को दो नए जिले बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में और ये दो नए जिले होते हैं, पहला होता है भोपाल जो कि स्वयं मध्य प्रदेश की राजधानी रहा है और इसके साथ में दूसरा होता है राजनंद गांव। तो देखो 43 पहले थे, दो और बन गए तो अब जिलों की संख्या हो गई 45 जिले और हो गए 8 संभाग। इसके जस्ट बाद में 1980 में 3 नए संभाग बनाए जाते हैं। एक संभाग होता है बस्तर, एक संभाग होता है हमारा होशंगाबाद और एक संभाग होता है हमारा चंबल संभाग। तो इस हिसाब से 3 संभाग बनाए गए ये मध्य प्रदेश में। नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग थे। 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनंदगांव को जिला बनाया गया जिसके बाद जिलों की संख्या 45 हो गई। 1980 में चंबल, होशंगाबाद और बस्तर 3 संभाग बनाए गए और इन संभागों के साथ मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या हो गई 8 और 3 11। इस प्रकार से 11 संभाग हो गए और जिलों की संख्या हो गई 45। अब देखिए मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए, 45 जिले हो गए। 43 पहले से थे, भोपाल और राजनंदगांव नए जिले बन गए तो दो और मिल गए तो 45 हो गए। संभाग कितने बने, 3 संभाग बने, बस्तर हो गया, होशंगाबाद हो गया और चंबल हो गया। इस प्रकार से 45 जिलों के बाद की कंडीशन यह रहती है। देखिए अब है हमारे पास 45 जिले और 11 संभाग। इसके बाद मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया जो कि वर्ष 1982 में बनाया गया था और इसमें दो समितियां बनाई गई जिन दो समितियों के नाम थे बीआर दुबे समिति और साथ में एमएस देव समिति। देखो एमएस देव समिति जो है इसने 6 नए जिलों का निर्माण करवाया, वहीं जो बीआर दुबे समिति थी उसने 10 जिलों का निर्माण कराया। तो बीआर दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 नए जिले बने और इस प्रकार से जिलों की संख्या 55 हो गई। और इसी के जस्ट बाद में एमएस सिंहदेव समिति जो है इसने 6 जिले बनाए तो 55 और प्लस में 6 जाएंगे तो बनेंगे 61 जिले। तो अभी मध्य प्रदेश में इस समय तक 61 जिले और 11 संभाग की कंडीशन थी,
ये होगा 61 जिले और 11 संभाग। इसके कुछ समय पश्चात एक नया संभाग बनाया गया जो था रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग का गठन किया गया। तो इस प्रकार से अब हो गए हैं हमारे पास 61 जिले और 12 संभाग। इस कंडीशन के बाद में वर्ष 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाता है। क्यों अलग हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास के कारण मध्य प्रदेश के सिर्फ उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र का विकास किया जा रहा था, बल्कि छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह गया था। इस कारण से छत्तीसगढ़ के विकास के दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग किया गया और इस समय में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 61 में से 61 जिले हमारे पास थे और 12 संभाग थे। तो इसमें से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अपने साथ लेके जाता है और यहाँ से 3 संभागों को अपने साथ लेके जाता है। तो मध्य प्रदेश में फिर बचते हैं 45 जिले और 9 संभाग। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें बचती हैं, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें भी छत्तीसगढ़ अपने साथ लेके चला जाता है और नया राज्य बनता है। वहीं अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भी कम हो गया, मध्य प्रदेश के 16 जिले भी चले गए और 3 संभाग भी चले गए। इन 3 संभागों में आपको याद रखना है कौन कौन से संभाग गए। तो एक गया बस्तर, दूसरा गया बिलासपुर और तीसरा गया रायपुर। अर्थात 3 संभागों में एक संभाग है बस्तर संभाग, दूसरा है रायपुर संभाग और तीसरा है बिलासपुर संभाग। अब जो सिंहदेव समिति थी एमएस वाली, एमएस सिंहदेव समिति, और जो थी बीआर दबे समिति, बीआर दबे समिति ने जो 10 जिले बनवाए थे, उस 10 जिलों में से 6 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ अपने साथ लेके चला गया। वही जो एमएस समिति थी, एमएस समिति के द्वारा जो जिले बनवाए गए थे, उन जिलों में से 3 जिले छत्तीसगढ़ अपने साथ लेके चला गया। तो इस प्रकार से अब छत्तीसगढ़ के अलग होने के पश्चात मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग शेष बचे हुए थे। इसके बाद वर्ष 2003 में 3 नए जिलों का गठन किया गया। ये 3 नए जिले कौन कौन से थे? अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर। अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे, ये तो मतलब थोड़ा सा कठिन है ना। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको ट्रिक ऐसे याद रखनी है कि 2003 कौन कौन से जिले बने हैं? अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। देखो कैसे याद रखना है, यहां से ले लो अशोक, अशोकनगर से ले लिया अशोक, अनूप से ले लिया, अनूपपुर से ले लिया अनूप और बुरहानपुर से ले लिया बुरा, बुरा। ठीक, तो अपन को क्या याद रखना है, 2003 में अनूप जो है वो बहुत ज्यादा अशोकनगर में रहता है और वो जो कि बहुत ज्यादा बुरा है। अनूप शोकनगर में रहता है जो कि बहुत ज्यादा बुरा है। तो आपको 3 जिले याद रहेंगे, अनूप शोकनगर में रहता है जो कि बहुत ज्यादा बुरा है, अनूप से अनूपपुर, शोकनगर से अशोकनगर और बुरा से बुरहानपुर। कब बनाए गए? वर्ष 2003 में बनाए गए। इसके साथ ही हम देखते हैं फिर 2008 में, वर्ष 2008 में 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिले का गठन किया गया जो कि झाबुआ जिले से अलग हुआ। देखो मई 2008 में अलीराजपुर बन रहा है और इसके जस्ट कुछ समय बाद 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला बना। अब ये कैसे याद रखना है आपको, देखिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 17 मई की। 17 मई 2008 में नया जिला बनाया गया जो था हमारा अलीराजपुर। अलीराजपुर इसके जस्ट कुछ दिनों बाद 24 मई को एक और नया जिला बना, 24 मई 2008 को, जो था हमारा सिंगरौली। सिंगरौली देखो आप कैसे याद रखना है, 17, तो 17 से क्या आता है, 17 से होता है खतरा, और जहां पे खतरा होता है वहां क्या किया जाता है, ईश्वर का नाम लिया जाता है या फिर अली का नाम लिया जाता है। तो खतरा से आपको याद रखना है अली, तो अली जैसी आएगा तो अलीराजपुर,
17 मई 2018 को जो जिला बना वो था अलीराजपुर। वैसे ही 24 मई 2008, 24 को क्या बोल सकते हैं? दो चार बोल सकते हैं ना? तो दो चार सिंगरौली से एक सिंह आ रहा है, सिंह का मतलब एक होता है सिंह, तो सिंह रौली से हम समझ लेते हैं रंगोली, रौली से हम रंगोली समझ लेते हैं। तो दो चार सिंह की रंगोली बनाना, तो एक ऐसा सेंटेंस ले लेते हैं कि दो चार सिंह की रंगोली बना दूं क्या, मैं दो चार सिंह की रंगोली बना दूं क्या। तो मैं से आपको याद रहेगा मई, दो चार अर्थात 24 मई को सिंह रंगोली। तो इस हिसाब से हमने देखा कि 17 मई 2008 को अलीराजपुर, 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला बना। देखिए, अब हमने देख लिया कि 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना। इसके बाद 14 जून 2008 को शहडोल संभाग बनाया गया। देखो, अभी तक संभागों की संख्या 9 थी, अब शहडोल संभाग जब बन गया तो संभागों की संख्या हो गई 10। शहडोल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहला तो है अनूपपुर, दूसरा है शहडोल और तीसरा है उमरिया। इसकी ट्रिक है अनूप उमर भर से डोल रहा है, अनूप से आ जाएगा अनूपपुर, उमर भर से हो जाएगा उमरिया और डोलने से हो जाएगा शहडोल। अनूप उमर भर से डोल रहा है, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, इन 3 जिलों को मिलाकर शहडोल संभाग बनाया गया जो कि प्रदेश का 10वां संभाग था। इसके साथ में 27 अगस्त 2008 को होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग किया गया था। देखिए, होशंगाबाद संभाग जो है ना, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहला है होशंगाबाद, दूसरा है हरदा और तीसरा है बैतूल। अगस्त 2013 को आगरमाला मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। आगरमालवा जो है ना, ये शाजापुर से अलग हुआ है और मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। इसके बाद में आपको सभी को पता है कि 1 अक्टूबर वर्ष 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना जो था निवाड़ी, और निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। इसकी 3 तहसीलें थी, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा। इस प्रकार से हमें मध्य प्रदेश का ये नक्शा देखने के लिए मिलता है कि मध्य प्रदेश के इस नक्शे का निर्माण कैसे हुआ। हमने किस किस जिले के बारे में पढ़ा? देखिए, आगरमालवा प्रदेश का कौन सा जिला है? 51वां जिला है। प्रदेश का 52वां जिला कहाँ है? निवाड़ी प्रदेश का 52वां जिला है। सिंगरौली का गठन कब किया गया था? 27 मई 2018 में सिंगरौली का गठन किया गया था। वहीं 17 में क्या था? खतरा था। तो अलीराजपुर का गठन कब किया गया? 17 मई को किया गया था 2008 में। ठीक, इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश संपूर्ण जिला गठन खत्म होता है यहाँ पर। इसके बाद हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखेंगे, अर्थात मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं। जब मध्य प्रदेश के नाम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, हीरा प्रदेश, टाइगर स्टेट, लघु भारत, नदियों का मायका, हृदय प्रदेश आदि अन्य नामों से जाना जाता है। देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। इसके साथ में सोया स्टेट का सीधा मतलब है मध्य प्रदेश में संपूर्ण भारत में उत्पादित होने वाले सोयाबीन का 80% उत्पादन होता है। इस कारण से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। हीरा स्टेट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन पन्ना जिले से होता है जो कि भारत में प्रथम स्थान रखता है। टाइगर स्टेट, भारत में जितने भी टाइगर हैं, जितने भी बाघ हैं, उन सभी बाघों में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में आते हैं, इस कारण से टाइगर स्टेट। दूसरे नंबर में कर्नाटका राज्य है। लघु भारत, मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जनजाति होने के कारण विभिन्न प्रकार की जनजाति विविधता भी मिलती है, इस कारण से इसे लघु भारत कहा जाता है। नदियों का मायका,
मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियों का उद्गम होता है, इस कारण से इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है। स्थापना, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, वहीं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर वर्ष 2000 को किया गया था। उपनाम हम देख चुके हैं। सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा किस किस राज्य के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, ये भी हम देख चुके हैं कि इस साइड में यूपी, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। जनसंख्या, मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 6वां स्थान रखता है और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 2रा स्थान रखता है। जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 7,26,26,809 व्यक्ति। जिले, मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, जिसमें 52वां जिला निवाड़ी है जो अभी बना है 1 अक्टूबर वर्ष 2018 को। संभाग, मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, दक्षिणी जिला, पश्चिमी जिला और उत्तरी जिला। देखिए इसके लिए एक मैप बना लेते हैं। सबसे ऊपर ये हो गया उत्तरी जिला, ये हो गया दक्षिणी जिला, इस साइड हो जाएगा पूर्वी जिला, ये साइड हो जाएगा पश्चिमी जिला। तो सबसे उत्तरी जिला होगा मध्य प्रदेश का मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला होगा बुरहानपुर, वहीं सबसे पूर्वी जिले की जब हम बात करते हैं तो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा सिंगरौली, वहीं सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा अलीराजपुर। मध्य प्रदेश की लंबाई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 605 किलोमीटर, वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी रही है भोपाल, और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 में ही बना लिया गया था, परंतु भोपाल को जिला बनाया गया था वर्ष 1972 में राजनंद गांव के साथ में। ये पहले सीहोर जिले की एक तहसील था, इसे 1949 में पार्ट सी में मिलाया गया था। गठन हमने देख लिया 1 नवंबर को 1956 में और पुनर्गठन 2000 को। सीमाएं, 5 राज्यों के साथ राजभाषा, अर्थात किस भाषा के लिए मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया, तो वो भाषा थी हिंदी भाषा, अर्थात मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है। संभाग, मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं, 313 विकास खंड है, 89 आदिवासी विकास खंड है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो होगा इंदौर, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा छिंदवाड़ा, अर्थात वह जिला जिसका क्षेत्र सबसे ज्यादा बड़ा है। पूर्व से पश्चिम के मध्य का समय अंतराल जो है वो होगा 30 मिनट। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम अर्थात सिंगरौली से अलीराजपुर आने में जो समय अंतराल रहेगा वो रहेगा 30 मिनट। ये है मध्य प्रदेश के राज्य की प्रतीक चिन्ह। अब जैसे मध्य प्रदेश के राज्य की प्रतीक चिन्ह आते हैं ना, तो इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा अपने रूप में, अपने चिन्हों के रूप में किन चीजों को स्वीकार किया गया है, हम उनको देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह, यह मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह है, इसमें क्या क्या है। पहले तो इसमें 24 स्तूपों की आकृति है, जब आप इनको गिनेंगे तो ये होंगे 24 स्तूप। इसके मध्य में गेहूं और चावल की बालियां लगी हुई हैं। इसके जस्ट पीछे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष वट वृक्ष स्थित है। वट वृक्ष, ये लिखा है सत्यमेव जयते और ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शासन। यहाँ पे 4 सिंहों वाला अशोक स्तंभ स्थित है। यह है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस चिन्ह के सबसे बाहरी भाग में 24 स्तूपों की आकृति स्थित है।
इसके बाद एक व्रत है जिसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके साथ ही मैं व्रत की एक तरफ धान और दूसरी तरफ गेहूं की आकृति या स्थिति या बालिया स्थित है। इसके बाद केंद्रीय व्रत है जिसमें अशोक स्तंभ की सिंह आकृति एवं बरगद या फिर वट वृक्ष प्रदर्शित किया गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद, बरगद को वट वृक्ष भी कहा जाता है। यह एक सदाबहार पौधा है। यह मोरेसी कुल से संबंधित वृक्ष की एक प्रजाति है। यह एक सदाबहार पौधा है या वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वैनगेलेसिस है। मध्य प्रदेश में, इसके साथ आपको याद रखना, सबसे ज्यादा वन किस जिले में मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो वन है मध्य प्रदेश में वो मिलते हैं बालाघाट और मंडला जिलों में, बालाघाट और मंडला जिले में। और सबसे कम जो वृक्ष हैं वो कहाँ है, तो उज्जैन जिले की तरफ में सबसे कम वृक्ष हैं। मध्य प्रदेश का राज्य की पशु जो कि बारहसिंगा है, जब हम बारहसिंगा की बात करते हैं तो यह ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। इसे दलदली हिरण भी कहा जाता है। प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है जो कि बारहसिंगा की ब्रीडरी प्रजाति से संबंधित है। यह सर्विडी कुल का जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम रुसवर्स डुवाउसेली है। इसे मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर वर्ष 1981 में राजकीय पशु के रूप में चुना गया था। बारहसिंगा की सर्वाधिक संख्या राज्य के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। फिर आता है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो है दूधराज। इसे ही पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। इसे ही शाहे बुलबुल भी कहा जाता है। ये ना अपने सफेद दूधिया रंग की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसकी लंबी पूंछ होती है और जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसे इसके दूधिया रंग की वजह से दूधराज कहा जाता है। इसका अन्य नाम शाहे बुलबुल भी है। इसे पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है। इसे राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर 1 नवंबर वर्ष 1981 को राज्य का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। देखो 1981 में पक्षी भी घोषित हुआ है और पशु भी घोषित हुआ है ना, पंछी भी और साथ ही में पशु भी। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जो कि सफेद लिली है, इसे लिलियम कैंडिडम के नाम से भी जाना जाता है। एकदम सफेद पुष्प है, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। अपनी आकृति और खुशबू के कारण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यह लिलियेसी कुल का पौधा है। इसकी जाति लिलियम है। इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशिर। देखिए महाशिर की जब हम बात करते हैं तो उसका वैज्ञानिक नाम टॉर पेट्यूटोरा है और ये एक ऐसी मछली है जो कि प्रदूषण को कम करने में सरकार की सहायता करती है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रदूषण को कम करती है। इसका वैज्ञानिक नाम टॉर पेट्यूटोरा है। प्रदेश सरकार ने इसे वर्ष 2011 में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया था। इसे स्थानीय स्तर पर महाशिर कहा जाता है। महाशीर बाद यहाँ पे लिखा है महाशीर बोदास, लेकिन इसे महाशीर भी कहा जाता है। इसे स्पोर्ट्स फिश के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः नर्मदा, ताप्ती, केन, बेतवा और चंबल नदियों में मिलती है। अगला है मध्य प्रदेश की राज्य की फसल सोयाबीन। आपको पता है कि भारत में होने वाले संपूर्ण उत्पादन में 80% जो उत्पादन है वो केवल मध्य प्रदेश का होता है सोयाबीन के संदर्भ में। तो इस प्रकार से अगले राज्य के चिन्ह की तरफ चलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। प्रदेश में मालवा क्षेत्र सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है। यह एक दलहनी कुल का पौधा है। मध्य प्रदेश का राज्य की फल जो कि आम है, इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। और आम को कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला अलीराजपुर जिले का कट्ठीवाड़ी आम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये एक ही आम 2 से 3 किलो का होता है, कभी कभी 4 किलोग्राम का भी। एक किस्म पाई जाती है जो है नूरजहां किस्म, कट्ठीवाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि 4 किलो का जिसमें आम होता है। प्रदेश के रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर और बालाघाट जिले में आम उत्पादन में अग्रणी है। ये रीवा जिला है ना, रीवा जिला।
मध्य प्रदेश की राज्य की नदी जो कि नर्मदा है। जब हम नर्मदा की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की राज्य की नदी है। मध्य प्रदेश में कुल लंबाई का 1077 किलोमीटर तक बहती है। इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थल से होता है। इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। देखिए, अमरकंटक से उद्गम होता है ये तो हमने सबने देख लिया, लेकिन अनूपपुर जिले के अमरकंटक से उद्गम होता है इसके अंतर्गत तहसील पड़ती है पुष्प राजगढ़ तहसील पड़ती है। और पुष्प राजगढ़ तहसील के भी भीतर में एक सरोवर है जिसका नाम है सरस्वती सरोवर, और सरस्वती सरोवर के भी अंतर में एक कुंड है जिसका नाम है नर्मदा कुंड, और नर्मदा कुंड के भीतर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। 13-12 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर तक बहती है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात राज्य में बहती है। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी कई बांधों का निर्माण नर्मदा नदी के अंतर्गत किया गया है। मध्य प्रदेश का राज्य की खेल मलखंब। इस खेल में मुख्य रूप से एक पोल होता है, ये एक पोल है, और इस पोल में लोग चढ़कर अलग अलग प्रकार के कर्तव्य करते हैं। कम समय में मानव शरीर के संपूर्ण अंगों की एक साथ योगा कराने वाला, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं एक्सरसाइज कराने वाला एकमात्र खेल मलखंब है। मलखंब जो खेल है, इस खेल के लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। और प्रभाष जोशी कोई खिलाड़ी नहीं थे बल्कि एक वरिष्ठ पत्रकार थे। देखिए, इस खेल में खिलाड़ी लकड़ी के एक खंभे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के कर्तव्य दिखाता है। इसे प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 में राज्य की खेल का दर्जा दिया था। प्रदेश सरकार द्वारा मलखंब के खेल में प्रभाष जोशी अवार्ड या प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। ये है मध्य प्रदेश का राज्य की नाट माच। माच मुख्य रूप से मालवा के अंचल पर किया जाता है। इसमें ढोलक और सारंग का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। देखिए, यह नाट्य प्रदेश के मालवा अंचल में प्रचलित है। इस नाट्य का जन्म प्रदेश के उज्जैन जिले से माना जाता है। इसकी विषय वस्तु ऐतिहासिक व पौराणिक होती है। इसका मतलब सीधा यह है कि या तो इसका संबंध रामायण, महाभारत ऐसी कुछ कहानियों से होगा, या पुराणों में कुछ चीजें लिखी हुई हैं उन चीजों से होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई। राई में ना एक चीज़ बहुत स्पेशल होती है कि राई में जो मुख्य नृत्यकी होती है, अर्थात ये जो मुख्य नृत्यकी है यहाँ पे, इसको कहा जाता है बेड़नी। देखिए, मध्य प्रदेश में यह नृत्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। इसकी मुख्य नृत्यकी को बेड़नी कहा जाता है। यह नृत्य अत्यंत तीव्र गति से किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण जितने भी प्रतीक चिन्ह थे वो हमने खत्म कर लिए। मध्य प्रदेश का राज्य की गान है सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इसकी रचना महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा की गई थी। इसका गायन शांतनु या फिर शान मुखर्जी के द्वारा किया गया था। इसका पहली बार वर्णन महेश श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक प्रणाम मध्य प्रदेश में किया था। इसे 2010 में राज्य की गान का दर्जा प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से हमारी पूरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। हमने मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन देखा, मध्य प्रदेश में जिले का गठन देखा, इसके साथ ही साथ में हमने यह भी देखा कि मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से राज्य की चिन्ह हैं, अर्थात हमने सामान्य परिचय पूरा मध्य प्रदेश का देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश में कौन कौन से संभाग आते हैं और इन संभागों के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं उसे कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।